अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बेहद इस्तकबाल है हमारे चैनल में। पीपल के पत्ते पर नाम लिखकर लगा दें थोड़ा सा कुमकुम और किसी को भी आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जो अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप जिसे भी पाना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रेमी हो, आपके शौहर हो, आपकी प्रेमिका हो, आप उन्हें अपने वश में कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी हर बात मानेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आपकी गुलामी करने लग जाएंगे। तो आप इस उपाय को देखिए और आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको पीपल के पेड़ से दो पत्ते लाने हैं और उसके बाद आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है। लाल पेन की मदद से आपको पीपल के पत्तों पर लिखना है अपना और अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम। तो एक पत्ते पर आपको लिखना है 786 और दूसरे पत्ते पर भी आपको लिखना है 786 और आपको अपना ये उपाय बिस्मिल्लाह करना है। 786 लिखने के बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपको लिखनी होगी अपनी प्रेमिका का नाम एक पत्ते पर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेहाना और दूसरे पत्ते पर मैं लिख रही हूँ याकूब। आप किसी भी भाषा में नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है इस पत्ते पर जिस पर आपकी प्रेमिका का नाम लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है बिनते और इधर लिखना है लड़के वाले पत्ते पर बिन। अब आपको एक तिलिस्मी दुआ इस पे पढ़नी है। तो जहाँ पर भी आपने अपनी प्रेमिका का नाम लिखा होगा वहाँ पर आपको लिख देना है या मुजीबू लिखना है और दूसरे पत्ते पर आपको कुछ नहीं लिखना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। कलम को बंद कर दें, उसके बाद दोनों पत्तों को एक साथ रख लें, यानी कि एक पत्ते के साथ में दूसरे पत्ते को इस तरह से रख दें। अब जहाँ पर आपने प्रेमिका का नाम लिखा है वहाँ पर आप कुमकुम लगा दें और जहाँ पर आपने अपना नाम लिखा है वहाँ पर भी आप कुमकुम लगा दें इस तरह से। इसके बाद आपको 41 मर्तबा बोलना है या मुजीबू। 41 मर्तबा बोलने के बाद आपको दोनों पत्तों को एक साथ इस तरह से चिपका देना है, मतलब इस तरह से चिपकाना है कि दोनों पत्ते एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं। तो ये पत्ता इस तरह से रख दीजिए। अब इनको एक साथ चार मर्तबा फोल्ड कर दीजिए। ये मैंने अभी दो बार कर दिया है, दो बार और कर दीजिए। अब आपको इस पत्ते के ऊपर सिर्फ एक बार और या मुजीबू बोलकर फूंकना है। फूकने के बाद आपको इस पत्ते को लेकर जाना है और जिस पेड़ के नीचे से आपने पत्ता लिया था वहीं पर आपको इसे दफन कर देना है। याद रखें, ये सारा काम आपको अकेले में करना है, किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं है। और जब आप इसे पेड़ के नीचे दफन करके आएंगे उस समय भी ध्यान रखना है कि किसी से कोई बात नहीं करनी है और सीधा अपने घर आ जाना है और वजू कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आपका ये उपाय ख़त्म होगा आपकी मोहब्बत आपको खुद कॉल करेगी, आपसे बात करने के लिए वक्त मांगेगी, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये उपाय खुद नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कोई और मसला है जिसका हल आप हमसे चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।